हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वैकेंसी के बारे में। यहां पे हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर की आई हुई पोस्ट ऑफिसर ग्रेड 1 की जो 1920 की है, और क्या क्या डिटेल है इससे रिलेटेड, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, फ़ीस कितनी होने वाली है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है स्टार्ट हो चुकी है 28 दिसंबर 2019 से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 25 जनवरी 2020। कॉल लेटर जो है आपको मिल जाएगा बाई ईमेल, बाई मैसेज बता दिया जाएगा जब भी आएगा। ऑनलाइन फेज़ 1 है जो वो 8 मार्च 2020 संडे को है, एंड सेकेंड फेज जो है जीडी एंड इंटरव्यू का वो इंटीमेट कर दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। तो ये थी इंटीमेशन डेट एंड अदर डिटेल्स। फिर नंबर ऑफ पोस्ट क्या ये बात कर लेते हैं यहाँ पे, और क्वालिफिकेशन की। तो स्ट्रीम जो है जनरल और लीगल दो तरीके की है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जनरल में 3 है एंड लीगल में 2 है। तो जो CA CMA की वैकेंसी है वो जनरल स्ट्रीम में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ 55% मार्क्स। सो आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स, बिजनेस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में है पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा विथ 55% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास हो CA, CFA, CS और ICWA, तो अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है MBA, MMS विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, CA, CS, CFA, CWA, LLB फॉर जनरल स्ट्रीम। तो अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं CA CMA जो भी हैं, CFA और CWA, रिटन टेस्ट मेन क्वालिफाई, उसके बाद प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा यहाँ पे अदर देन दी मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट जो भी होंगे उनके अलावा आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो बात करें इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर मल्टीपल स्ट्रीम एज पर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास डबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सपोज आपने LLB भी किया है जो लीगल दूसरा पोस्ट है, और उसके साथ आपने MBA, CA या CMA किया है, आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये इक्विवेलेंट आपको अगर CGPA में दिया हुआ है तो उसको एग्रीगेट परसेंट में कन्वर्ट कैसे करना है, चीज़ें बताई गई हैं। डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपियरिंग ऑन द मार्कशीट। सो आपका जो पासिंग डेट माना जाएगा वही माना जाएगा जो आपके मार्कशीट पे अपीयर होगा या फिर सर्टिफिकेट पे। यहाँ एज लिमिट की बात करें अगर, तो एज लिमिट जो है यहाँ पे 27 ईयर्स दिया गया है, और उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन 2 स्टेज में होना है। फर्स्ट फेज जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेकेंड फेज जो होगा कि GD एंड इंटरव्यू होगा, जैसा ऊपर ही पता चल गया था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, जो आपका संडे 8 मार्च 2020 को होने वाला है। तो यहाँ पे पैटर्न बताएगा जनरल स्ट्रीम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस प्लस फाइनेंशियल सेक्टर अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 200 का होगा आपका, और ड्यूरेशन जो आपको मिलेंगे 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। सेम इसी तरह स्ट्रीम जो है लीगल का भी बताया गया है, इसमें भी टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे है 240, 300 मार्क्स का 180 आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे क्वेश्चन ये बताया गया है जो लीगल केसेस रिलेटेड होंगे लीगल के लिए। तो यहाँ पे जो होगा सिंगल शिफ्ट में ही एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट कर दिए जाएंगे। जो लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश में ही पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। देन इम्पॉर्टेंट नोट्स है फेज़ 1 विल बी अलॉटेड वेटेज। तो यहाँ पे वेटेज की बात की गई है। जो वेटेज है फर्स्ट फेज यानी ऑनलाइन टेस्ट को 80% दिया गया है एंड 20% दिया गया है GD और इंटरव्यू के लिए। सो टोटल 100 ऐसे होना है। यहाँ पे सर्विस कंडीशन है, 1 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। देन पेमेंट की बात करें तो पे स्केल है, पे स्केल ऑफ ऑफिसर ग्रेड A 28,150 150 से स्टार्ट होना है आपको। यहाँ इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी लाइक डीए, एचआरए, पर्क्स, अलाउंस जो भी है, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट्स में बताया गया है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें यहाँ पे, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ये सारे जोन में डिफरेंट डिफरेंट सिटी में बताई गई हैं कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है। तो अपने आप कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे सेंटर चॉइस कर लेंगे और एग्ज़ाम जाके दे देंगे। पोस्टिंग की बात करें तो पीएफआरडीए का जहाँ जहाँ भी ऑफिस होगा कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की बात करें तो 500 है, SC ST PWD की बात करें तो नील है। तो ये सारी जो एप्लीकेशन फ़ीस है आप ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। करें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के यहाँ पे 3 सिंपल प्रोसेस है, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन, अपलोड। तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आजकल एक चीज़ खास कर दिया गया है कि आपको ये एप्लीकेशन मतलब वाइट पेपर पे लिखना होता है। आई आपका नेम हियर बाई डिक्लेयर दैट द ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, True and valid. I will present the supporting document as and when required. तो ये लिख के आपको अपलोड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो इसको अपलोड जरूर कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे प्रोसेस सारी बता दी गई हैं, सारी चीज़ें, टर्म्स कंडीशन भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिल कर लीजिए और एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। प्रिपरेशन करने के लिए आपको सारे जो भी कंटेंट है आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स आ गए हैं मार्केट में, जो भी बाहर पढ़ा रहे थे वो फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी और वहाँ से आप प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगता है यूट्यूब पे आप जो भी टॉपिक है वो डालेंगे, लाइक रीजनिंग, मैथ, वो ऑटोमेटिक बहुत सारे टीचर्स की आ जाएंगी। जिसका भी आपको अच्छा लगता है लैंग्वेज, जो भी अच्छा पढ़ा रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा है, उसका वीडियो आप पूरा देखिए, पढ़िए और प्रिपरेशन कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स को शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जोड़ें ताकि इस चैनल को और भी आगे तक लेकर जाया जा सके। थैंक यू।